इसलिए माताओं को संतान का पालन पोषण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा और सुसंस्कार देने चाहिए। अपनी संतान को अपनी कुंठा और दुष्प्रवृत्ति से सदैव दूर रखना चाहिए, जो रावण की मां कैकेयी ना कर सके। प्रणाम आर्य। मैं भी तो रावण का पिता हूँ, किंतु रावण के लिए आपके पास किंतु परंतु के अलावा और कुछ है ही नहीं। आपको तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए, पर आप हैं कि उसे आशीर्वाद देना तो दूर, उसके शत्रु विष्णु की पूजा अर्चना कराते हैं आश्रम में, और आपके ये शिष्य हरि कीर्तन करते हैं। किंतु कैकेयी मेरे लिए तो पितामह ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और महादेव, ये तीनों देव समान रूप से पूजनीय है, और एक ऋषि के आश्रम में इन तीनों की पूजा तो होगी। जहां तक मेरे पुत्रों की बात है, तो एक पिता अपने पुत्र को स्वयं से भी अधिक प्रेम करता है। तो स्वामी चलिए ना लंका, अभी समय भी उचित है। रावण विभीषण तो मिलेंगे ही, कुंभकर्ण के जागने का समय भी हो रहा है। पूरे 6 माह बाद जागने वाला है वो। मैं अपने इस अनार्थ प्रदेश के आश्रम में ही ठीक हूँ। मेरे लिए लंका जाने का समय तब आएगा जब रावण अपने बड़े भाई कुबेर को उसकी लंका और पुष्पक विमान सम्मान सहित लौटाए, और अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म पथ का अनुसरण करेगा। उसे समझाओ, समय परिवर्तित हो रहा है, समय को समझे। समय के विषय में सोचना दुर्बलों का काम होता है। समय तो दास होता है महाबलियों का। और रही बात लंका की, तो लंका तो कभी कुबेर को नहीं मिलेगी। हमारा पुत्र है लंका का अधिपति। शीघ्र ही तीनों लोगों का अधिपति होगा हमारा पुत्र, आपका पुत्र त्रिलोक स्वामी रावण, ऋषि विश्रवा का पुत्र। मैं रावण का पिता हूं, उसका हर सत्य से सामना कराना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रही हो। नेत्र हम भी खुले रखते हैं आर्य। कैकेयी, यदि प्रकाश ना हो तो आंखें अंधे के समान हो जाती हैं, और यदि प्रकाश तीव्र हो तो भी कुछ दिखाई नहीं देता। संसार एक नए युग के आलिंगन को तत्पर है। जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, संभल जाए, धर्म का मार्ग अपना ले, काल उससे अधिक दूर नहीं है। माँ हर दिन कहती हैं कि प्रातः उठते ही स्नान करो, स्वस्थ रहोगे, मन प्रसन्न रहेगा दिन भर। किंतु मैं तो प्रतिदिन करता ही हूँ। कभी कुछ बड़ा करने को मन करता है कि नहीं? कल से ही मन कर रहा है कि जो शक्तियाँ मिली हैं उन्हें देखूं, उन्हें परखूं, क्या हो सकता है उन वरदानों में। किंतु माँ ने तो पहले ही रोक लगा दी है कि सबके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करूं। अब तुम ही बताओ सखा, मैं कैसे जानूं इन शक्तियों के बारे में।
तुम ऐसे नहीं मानोगे सखा, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। सोच लो, अब मैं हनुमान हो गया हूँ, शक्तिशाली हनुमान। दिखाऊं अपनी शक्ति? सखा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देख ही सकते हैं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। क्या करूं? इतने वरदान, कौन सी शक्ति का प्रयोग करूं? बड़ी ही उलझन है सखा, सोचना पड़ेगा। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। इच्छाधारी रूप, ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा वरदान दिया है, इसे प्रयोग करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो क्या बनूं मैं?